नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल शहर के थाना छोला मंदिर क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मीडिया को जानकारी देते हुए थाना प्रभारी उदय वीर भदौरिया ने बताया, लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन तालाब के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। वहां मौके पर पहुंची थाना छोला मंदिर पुलिस कार्रवाई कर हमीदिया हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। थाना छोला मंदिर में जब से थाना प्रभारी उदय वीर भदौरिया आए हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी टीम को भी एक्टिव रखते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। केकेआर न्यूज़ के लिए भोपाल से संवाददाता रहीस खान की रिपोर्ट। सर, आपके क्षेत्र में डेड बॉडी मिली है, क्या कहना है आपका? कल मौके पे जाके देखा जो है, तीन तालाब रोड पे जो है एक लगभग 35 साल का लड़का जो है ओले मोह पड़ा था। पुलिस मौके पे पहुंची, FSL पार्टी भी पहुंची थी मौके पे, बड़े अस्पताल भी पहुंची थे। देखा उसका जो है पंचनामा लिखा, उसके शरीर में चोट लगी थी, उसके हाथ में निहाल सिंह सीमा लिखा था। बाद में जानकारी मिली उसके पर्चे जो है नगर में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे वो इंसान ने। सूचना पर उसके पर्चे जो है थाने पर आए, उनके द्वारा पहचान की गई। मृतक का नाम निहाल सिंह, पिता चिन्ना सिंह, प्रीतम लड़का रहना बता रहा है। जिसके मकान मालिक ने कल नौकर ये सुबह फोन किया था और पन्ने भी सरकार भेज रही थी, अकेला रह रहा था। उसने बताया कि जो है ये पागल सा हो गया है, अपने अपने उतार देता है, कुछ भी करता है। तो उसके परिजन आए थे रात में 2 बजे, आए तो घर में नहीं मिला। तो सुबह जो है गोविंद शाम को दर्ज कराने गए तो पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। इसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रवेश प्रारंभ। होली आर्ट कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से 2-12 बेच बायो साइंस एंड कॉमर्स, फिर शिक्षित स्टाफ के साथ नियमित सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधि। 144 अशोका कॉलोनी रॉयल मार्केट भोपाल।